Assalamu alaikum, dear students. Today is first lecture of English class 8. Our topic is tolerance of the Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Now we are going to solve our exercise. Our first question is about how to make nouns from verbs. And next question is about suffixes. As we have read in our previous classes, what is noun and what is verb, I first of all define the noun. Noun is a name of person, place or thing, feeling and expressions. For example, Aslam, Islamabad, chair, dreams, etc. Noun, naam hai kisi bhi shakhs, jagah, cheez, ehsasat और ख्यालात का. मिसाल के तौर पर असलम, इस्लामाबाद, चेयर. असलम नाम है किसी शख्स का, इस्लामाबाद जगह का, चेयर चीज़ का, ड्रीम्स ख्वाब जैसे हमारी फीलिंग्स हैं इसका. नेक्स्ट, व्हाट इज़ वर्ब. वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. इट इज़ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्ब दैट एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. यानी डूइंग वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स. किसी भी काम का होना या करना वर्ब कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, रीड, स्लीप, ईट, डिस्ट्रॉय, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, रीड पढ़ना, स्लीप सोना, ईट खाना, डिस्ट्रॉय तबाह होना, करना. इन दिस वे वी विल मेक नाउन फ्रॉम वर्ब्स. सो आवर क्वेश्चन इज Make nouns from the following verbs. इस चैप्टर में, एक्सरसाइज में हमें कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और इस वर्ब्स के हमने नाउन बनाने हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल जो दी गई है वो है डाई, डेथ. डाई मरना, डेथ मौत. इसी तरह नेक्स्ट और भी वर्ब्स दिए गए हैं, हम उसके नाउन बनाएंगे. वर्ब्स टॉलीरेट. फर्स्ट वर्ब इज टॉलीरेट. टॉलीरेट मीन बर्दाश्त करना. एंड टॉलरेंस इसका नाउन हुआ. एंड टॉलरेंस मीन्स बर्दाश्त. नेक्स्ट वर्ड इज प्रैक्टिस. प्रैक्टिस अमल करना. जब हम इसका नाउन बनाएंगे तो वो बन जाएगा प्रैक्टिस. प्रोनंसिएशन इज सेम बट देयर इज अ लिटल डिफरेंस अबाउट लिटल डिफरेंस ऑफ स्पेलिंग. फॉर एग्जाम्पल, हेयर इट इज एस. एंड नेक्स्ट सी. प्रैक्टिस जब वर्ब के तौर पे आएगा तो प्रैक्टिस में एस होगा, और जब प्रैक्टिस अमल नाउन के तौर पे आएगा तो एस की बजाय सी आ जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज कनकर. कनकर मीन फतह करना. एंड इट्स नाउन इज कंक्वेस्ट. कंक्वेस्ट फतह. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय तबाह करना. एंड इट्स नाउन इज डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाही. एंड द लास्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मीन इतराज करना. एंड इट्स नाउन इज ऑब्जेक्शन. ऑब्जेक्शन मीन इतराज. ऑब्जेक्ट हम एक वर्ड सेंटेंस में भी पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट वहाँ पे मफूल यानी जिस पे काम हो रहा हो वो मुराद होता है. लेकिन यहाँ पे जब एज अ वर्ब आया तो इसका मतलब हुआ इतराज़ करना. तो इसका हम नाउन जो बनाया तो वो ऑब्जेक्शन होगा. ये हमारा फर्स्ट पोर्शन था. नेक्स्ट पोर्शन है अबाउट सफिक्सेस. व्हाट इज सफिक्सेस? वी हैव रेड अबाउट दिस सफिक्सेस दैट द वे आई फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइंड माय वर्ड सफिक्स. This suffix is a kind of affix that follows a word stem. It adds a certain meaning to the word. Suffix के बारे में हम पढ़ चुके हैं. ये साबका और लाहका होता है. साबका और लाहका इसके बारे में हमने पढ़ा है. ये लफ्ज़ में ऐड होते हैं. लेकिन suffix से मुराद क्या है? यहाँ पे suffix से मुराद लाहका है. This suffix is a kind of affix. Affix यानी suffix इस तरह का, लाहका जो है वो इस तरह का लफ्ज़ होता है जो कि follows a word stem. Word stem मतलब किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी word के
मखसूस रूट वर्ड को कहते हैं, और जो रूट वर्ड के एंड पे आता है वो सफिक्स होता है, यानी लहका होता है। इट एड्स अ सर्टन मीनिंग्स टू द वर्ड। जब हम इसको ऐड करते हैं तो लफ्ज़ में कुछ मखसूस मीनिंग ऐड हो जाते हैं। तो ये किस तरह के मीनिंग्स ऐड होते हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे कि क्या ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं क्या, और क्या ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। दिस फिक्स सम मीन्स फुल ऑफ, दिस फिक्स लेस मीन्स विदाउट। जैसे कि हमने पढ़ा कि इलाका लफ्ज़ में मीनिंग्स का कुछ ऐड करना होता है, तो ये लफ्ज़ के एंड पे किसी लफ्ज़ का ऐड करना जिससे मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। इन मीनिंग में चेंज होने में दो तरह के होते हैं। बाज़ुकात ये होता है कि इसके एंड पे लफ्ज़ ऐड करने से वो लफ्ज़ बहुत पावरफुल हो जाता है, और बाज़ुकात उसमें कोई ऐसा लफ्ज़ ऐड हो जाता है जिससे पहले वाले लफ्ज़ के भी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्फिक्स सम में हमने जब हमने किसी वर्ड में एंड पे स्फिक्स सम ऐड किया तो उसका मीनिंग हो जाएगा फुल ऑफ, यानी पहला वर्ड भी पावरफुल हो गया, मोस्ट पॉजिटिव हो गया। दिस फिक्स लेस मीन्स विदाउट। जब हम किसी भी वर्ड के एंड पे यानी लाख का एंड पे एस लेस ऐड करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा विदाउट, यानी ये पहले लफ्ज़ के भी मीनिंग चेंज कर देगा, रूट वर्ड को ये चेंज कर देगा। दे चेंज नाउन इंटू एडजेक्टिव्स। जैसे हमने पढ़ा साबका या लाहका ऐड करने से लफ्ज़ के मीनिंग चेंज होते हैं, तो और इसी तरह इनकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी भी वर्ड में सम आर लेस ऐड करेंगे तो वहाँ पे उनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, इट विल कन्वर्ट नाउन्स इंटू एडजेक्टिव्स। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू आवर एक्सरसाइज। आवर क्वेश्चन इज एड सफिक्स सम एंड लेस टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडजेक्टिव्स। हेयर आर सम नाउन्स एंड वी विल कन्वर्ट दीज नाउन्स इंटू एडजेक्टिव्स बाय एडिंग सम। द फर्स्ट वर्ड इज लोन। लोन मीन तन्हा। वेन वी एड सम विद लोन इट मीन्स लोन सम। लोन सम मीन्स तन्हाई वाला। नेक्स्ट वर्ड इज लॉथ। लॉथ मीन नफरत। वेन वी एड सम विद लॉथ इट बिकम्स लॉथ सम। लॉथ सम मीन्स काबले नफरत। एंड नेक्स्ट बॉदर। बॉदर मीन तंग। एंड वेन वी एड सम विद बॉदर इट बिकम्स बॉदर सम। बॉदर सम मीन्स तंग करने वाला। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ट्रबल। ट्रबल ट्रबल मीन तकलीफ। एंड वेन वी एड सम विद दिस वर्ड इट बिकम्स ट्रबल सम। ट्रबल सम मीन्स तकलीफ देने वाला। नेक्स्ट वर्ड इज ईक। ईक सम। ईक सम मीन्स थकावट वाला या तकलीफ देने वाला। ईक मीन तकलीफ। ईक सम मीन तकलीफ देने वाला या फिर थकावट वाला। स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव सॉल्व्ड द क्वेश्चन बाय एडिंग सफिक्सेस सम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड लेस विद द नाउन्स। द फर्स्ट नाउन इज फ्लॉ। फ्लॉ मीन नुक्स, खामी। एंड व्हेन वी ऐड लेस विद द वर्ड फ्लॉ, फ्लॉ लेस बगैर खामी वाला, वो चीज़ जिसमें कोई खामी ना हो। थैंक। व्हेन वी ऐड लेस विद थैंक, थैंक लेस। थैंकलेस मीन ना शुक्री करने वाला, यानी इसका मीनिंग चेंज हो गया। थैंक शुक्रगुजार, और थैंकलेस थैंक्स शुक्र, थैंकलेस ना शुक्री करने वाला, यानी जो शुक्र ना करे। लॉ। ला कानून। लॉ लेस मीन ला कानूनियत वाला, यानी वो चीज़ या वो जगह जहाँ पे कानून कोई ना हो, यानी ला कानूनियत। वर्थ। वर्थ मीन कदरो कीमत। व्हेन वी ऐड लेस विद द वर्ड वर्थ इट बिकम्स वर्थलेस। वर्थलेस मीन बगैर कदरो कीमत के,
यानी वो चीज़ जिसमें कोई कदर कीमत ना हो. एंड द लास्ट वर्ड इज़ होप. होप मीन उम्मीद. होपलेस. होपलेस वी एड लेस विद द होप एंड इट बिकम्स होपलेस. होपलेस मीन ना उम्मीदी वाला, यहाँ जहाँ पे कोई उम्मीद ना हो. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हमने सम ऐड किया तो वो नाउन एडजेक्टिव तो बन गया, लेकिन उसके मीनिंग्स मोर पावरफुल हो गए. लेकिन उसी तरह जब हमने उस फिक्स लेस ऐड किया तो तमाम वर्ड्स या नाउन जो एडजेक्टिव बने, लेकिन उसके मीनिंग नफी में हो गए, यानी उसके बगैर. लेस मीन उसके बगैर, पहले वाली चीज़ के मीनिंग को भी उसने चेंज कर दिया. इसी तरह आप इन क्वेश्चंस को पढ़िए और अच्छे से समझिए. थैंक्स.